तो बने का वीडियो के एंड एंड तक मेक दैट sure आगे बढ़ने से पहले यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्क्रीन

सिमिलरली अगर हम लोअर बैंड की यहाँ पर बात करें तो ये लोअर बैंड हमें प्रीवियस ट्वेंटी डेज के ही लोएस्ट प्राइस के बारे में बताता है एंड And... यहां पर आपको जो ऑरेंज लाइन देखने को मिल रही है इसे हम मिडिल बैंड कहते हैं जो कि हमारे पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट का यानी कि अपर एंड लोअर बैंड का एवरेज रहता है तो आई होप दैट आपको इस इंडिकेटर के कंपोनेंट्स के बारे में यहां पर जरूर समझ आया होगा एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दैट आप कैसे इसके बेसिस पर मार्केट में वॉलिटिलिटी का पता लगा सकते हैं अब ये तो आप जानते ही होंगे दैट हमें मार्केट में पीरियड्स ऑफ लो एंड हाई िटी देखने को मिलता है एंड चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं दैट कैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर आप यहाँ पर हाई फेज ऑफ वॉलिटिलिटी एंड लो फेज ऑफ वॉलीटिलिटी का भी पता लगा सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें अपर एंड लोअर है और जब भी हमें अपर एंड में पर्टिकुलर तो फेज में काफी हाई वोलेटिलिटी है और अगर आप यहाँ पर इन कैंडल को भी काफी ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा दट ये काफी वाइड कैंडल स्टिक्स यानी कि काफी बड़ी कैंडल स्टिक्स जो की वंस अगेन हमें बताती है दट मार्केट में इस समय हमारे पास जो पीरियड ऑफ वॉलिटिलिटी चल रहा है वो काफी हाई वॉलिटिलिटी है फर्दर जब आपको इन बैंड्स में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है यानी कि जब ये बैंड्स नैरो हो जाते हैं जैसे कि आपको इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर देखने को मिल रहा है वंस अगेन निफ्टी फिफ्टी के ही डेली चार्ट के ऊपर तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट हमें लो वॉलिटिलिटी का एक फेज देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर कैंडल में भी डिफरेंस को काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें हाई वोलेटिलिटी पीरियड में काफी बिग एंड वाइड देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस लो वॉलिटिलिटी के पीरियड में आप नोटिस कीजिए अगेन यही डिपिक्ट करते हैं दैट हमारे पास जो वॉलिटिलिटी है वो लो है एंड दैट इज हाउ आप इस इंडिकेटर के बेसिस पर वॉलिटिलिटी का पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड कॉन्ट्रैक्शन एंड बैंड एक्सपेंशन डॉन चैनल के ही अपर और लोअर बैंड को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं ध्यान देने वाली बात यह है दैट हमें इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह सिर्फ और सिर्फ साइडवेज या फिर रेंजिंग मार्केट में ही यूज करना है या हम कह सकते हैं दैट फेजेस ऑफ लो वॉलिटिलिटी में ही यूज करना है हमें इसे ट्रेंडिंग मार्केट्स में एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना अवॉइड करना चाहिए चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऑन द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख पाएंगे दैट हमें बैंड्स में एक काफी अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो काफी बिग एंड वाइड कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर एक हाई पीरियड ऑफ वॉलीटिलिटी है साथ ही साथ अगर हम बात करें इस फेज की तो आप देख सकते हैं दैट बैंड्स में हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है यानी कि बैंड्स यहाँ पर नैरो हो चुके हैं और साथ ही साथ अगर बात करें कैंडल की तो काफी स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल विथ कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिससे कि हमें पता चल रहा है दैट नंबर वन यहाँ पर वॉलीटिलिटी काफी कम है एंड नंबर टू यहाँ पर एक साइडवेज रेंज फॉर्म हो चुकी है तो हम इस रेंज में इन बैंड्स को एज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास ये जो अपर बैंड रहेगा हम इसे एज रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं एंड आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं दैट मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इस अपर बैंड को यहाँ पर इस रेंज में अप्रोच किया है एंड आप काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे दैट हमें इस पर्टिकुलर बैंड से मल्टीपल रिजेक्शन्स भी देखने को मिले हैं यानी कि आप देख सकते हैं दैट ये काफ़ी अच्छे से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है सिमिलरली अगर हम बात करें इस लोअर बैंड की तो आप देख सकते हैं दैट लोअर बैंड से हमें मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट देखने को मिली है या फिर हम कह सकते हैं दैट बाउंस देखने को मिले हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट ये लोअर बैंड एक काफी अच्छे सपोर्ट की तरह इस रेंज में काम कर रहा है अब आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए कैंडल स्टिक का यूज कर सकते हैं चलिए एक एग्जाम्पल की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं

ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें इन्हें आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना अवॉइड करना चाहिए इन ट्रेंडिंग मार्केट्स बिकॉज आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जब हमें काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर दो प्राइस ने अपने रिजिस्टेंस को अप्रोच किया है बट हमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है यानी कि काफी सारे फॉल सिग्नल्स हो सकते हैं एंड सिमिलर इज द केस विद द डाउन ट्रेंड अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था दट यहाँ पर हमें काफी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड देखने को मिला है एंड प्राइस ने ओवर ओवर एंड अगेन अपने सपोर्ट को यहां पर टेस्ट किया है लेकिन हमें यहां से कोई भी सिग्निफिकेंट बाउंस नहीं देखने को मिला है यानी कि काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं ऑन अ सपोर्ट एंड दैट इज वाई हम इसे अवॉइड कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करना ट्रेंडिंग मार्केट्स में चलिए देखते हैं कि कैसे आप डॉन्चिंग चैनल के बेसिस पर अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव्स को आप कैच भी कर सकते हैं शुरुआत करते हैं एक बाई साइड के एग्जाम्पल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर ऑन द डेली टाइम फ्रेम जहाँ पर आप काफी क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं दैट इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉटेड है और हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपर बैंड का तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था दैट अपर बैंड हमें बताता है दैट हमें प्रीवियस 20 कैंडल स्टिक्स का हमारे पास क्या हाइस्ट प्राइस रहा है तो आप देख सकते हैं दैट ये हमारे पास अपर बैंड है और ये हमें हाईएस्ट प्राइस के बारे में बता रहा है एंड जब हमें इस अपर बैंड का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं दैट हमें समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर कैंडल इस अपर बैंड का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो हम यहाँ पर एक बाई साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते सकते हैं हैं और हम यहाँ पर इस इस ट्रेंड में बने रह जब तक हमें बैंड का कोई भी इनिशियन देखने को नहीं मिलता है जो कि आप देख सकते हैं हमें इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल रहा है तो अगर हम बात करें अपने एंट्री की तो एंट्री हमारे पास रहेगी जब हमें अपर बैंड का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है यानी कि प्रीवियस 20 कैंडल्स के ही हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि हमें देखने को मिला है एट द लेवल्स ऑफ 2150 एंड आप देख सकते हैं दैट एग्जिट हमारे पास रहा है एट द लेवल्स ऑफ 2600 तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डोंचियन चैनल हम यहाँ पर एक काफी वाइड ट्रेंड को कैच कर पाए हैं अगर हम शुरुआत में एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या तो इनवैलिडेशन लेवल को एट द मिडल बैंड प्लेस कर सकते हैं या फिर आप इसे एट द लोअर बैंड भी प्लेस कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप ऑन द बाई साइड अपने ट्रेड्स को प्लान आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ द अपर बैंड चलिए बात कर लेते हैं एक सेलिंग साइड के एग्जाम्पल की वंस अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही डेली टाइम फ्रेम पर अब हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं लोअर बैंड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें ये लोअर बैंड देखने को मिल रहा है यानी कि हमारे पास ये जो लोअर बैंड है ये हमें बता रहा है दैट हमारे पास प्रीवियस ट्वेंटी डेज का क्या लोएस्ट पॉइंट रहा है एंड अगर हमें इस पर्टिकुलर बैंड का कोई भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं दैट हमें इस लेवल पर इस बैंड का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो हम यहाँ इस ब्रेकडाउन के चलते अपने सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं अब अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो मान लीजिए दैट हमने यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान किया अप्रॉक्सीमेटली एट द लेवल्स ऑफ थर्टीन और हमारे पास जो इन लेवल रहेगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था या तो हम इनवैलिडेशन लेवल को एज द मिडल बैंड रेफर कर सकते हैं या फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसे एज द अपर बैंड भी रेफर कर सकते हैं फॉर द हम इस ट्रेड में बरकरार रह सकते हैं जब तक हमारे पास इस मिडल बैंड का हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है एंड आप देख सकते हैं दैट हमें ब्रेकआउट एप्रोक्सीमेटली एट द लेवल्स ऑफ 1100 देखने को मिला है यानी कि इस डॉनचेंज चैनल के ही लोअर बैंड के ब्रेकआउट पर आप देख पा रहे हैं दैट हमें यहां पर एक काफी स्ट्रॉग ट्रेंड ट्रेंड ट्रेडिंग अपॉरचुनिटी देखने को मिली है जहां पर हमने जैसे कि डिस्कस किया था हमने ट्रेड प्लान किया है एट द लेवल्स ऑफ थर्टीन हंड्रेड फोर्टी फाइव एंड अगर हम बात करें एग्जिट की तो हमें एग्जिट अप्रॉक्सीमेटली इलेवन हंड्रेड के लेवल्स के आसपास देखने को मिली है यानी कि हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड अपॉर्चुनिटी में टू हंड्रेड पॉइंट्स प्लस का एक प्रॉफिट देखने को मिला है एंड आप यहाँ पर इस हिसाब से अपने सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं वंस अगेन हंड्रेड परसेंट सक्सेस एक्यूरेसी तो इस इंडिकेटर की भी नहीं है बट आप इसे ट्राई एंड टेस्ट आउट कर सकते हैं दैट डज इट वर्क फॉर यू और और नॉट आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को क्लब करके भी यूज कर सकते हैं विद अदर इंडिकेटर्स एज वेल हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर आज की वीडियो में हमने बात की है डॉन चैनल के बारे में जहां पर हमने देखा दट आप कैसे इस इंडिकेटर को मार्केट वॉलिटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए डायनेमिक लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने के लिए एंड साथ ही साथ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके काफी क्लियर एंड ट्रेंडिंग मूव्स को कैच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वेल आई होप दट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund and all other instruments traded on the stock exchanges.